नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अंत खबरों के साथ। इंदौर शहर के हंसदास मठ में हो रहा है सामूहिक तर्पण का आयोजन। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े तर्पण आयोजन में ले रहे हैं एक साथ सैकड़ों लोग भाग। पितरों के निमित्त किया जा रहा है तर्पण और अनुष्ठान। 21 सितंबर से शुरू की जाएगी पितरों के निमित्त पितृ मोक्षदायिनी कथा। विधायक आकाश विजयवर्गीय के खलनायक वाले गाने पर डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता जमकर ले रहे हैं चुटकी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी कसा तंज, कहा बाप बेटे को बना लेना चाहिए नाच गाने की मंडली। ये लोग लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तीन दिन के ब्रेक के बाद चौथे दिन यानी कि बुधवार को इंदौर शहर में इंद्रदेव एक बार फिर मेहरबान हो गए और शाम 5 बजे के बाद बादल छाने लगे और देखते ही देखते पूरे शहर में जोरदार बरसात शुरू हो गई। गौरतलब है कि इंदौर जिले में बरसात का आंकड़ा 46 इंच के अपने आंकड़े को पार कर चुका है। एक सप्ताह तक लगातार हुई बरसात के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार को तीन दिन तक इंदौर शहर थोड़ा चैन की सांस ले रहा था, लेकिन बुधवार शाम 5 बजे से शहर में एक बार फिर जोरदार बरसात आरंभ हो गई, जो काफी देर तक जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून इंदौर सहित प्रदेश भर में सक्रिय है और जो उत्तर और पश्चिम में सिस्टम बना है उसके कारण कई शहरों में जोरदार बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून अभी विदा लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। इंदौर नगर निगम कर्मचारी की बल्ले से पिटाई कर सुर्खियों में आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और क्षेत्र क्रमांक 3 के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जहां वे प्रशासनिक लॉबी के बीच खलनायक बन चुके हैं, वहीं अब क्षेत्र की जनता के बीच भी अपनी खलनायक वाली छवि पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मौका था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का और बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी कुछ अलग तरह से मनाया। फन पार्टी के नाम से इंदौर शहर की सबसे बड़ी होटल को बुक किया और वहां पर क्षेत्र की जनता को बच्चों के साथ इनवाइट किया। पार्टी के दौरान बच्चों और कार्यकर्ताओं के साथ नायक नहीं खलनायक हूं मैं गाने पर विधायक आकाश विजयवर्गीय जमकर संजय दत्त की स्टाइल में थिरके, जिसके बाद किसी ने विधायक का खलनायक गाने वाला वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद राजनीतिक सूबे में एक बार फिर आकाश विजयवर्गीय चर्चा का विषय बन गए हैं। बता दें कि बीते माह विधायक आकाश विजयवर्गीय निगम कर्मियों पर बल्ला चलाने के जुर्म में जेल की सजा काट चुके थे। चलते वे अधिकारियों की नजरों में खलनायक बन चुके थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद आकाश विजयवर्गीय की चर्चाओं पर विपक्ष जमकर चुटकी ले रहा है। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के खलनायक वाले गाने पर डांस का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आकाश पर जमकर निशाना साधते हुए तंज कसा है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और उनके विधायक पुत्र आकाश पर निशाना साधा है। भाजपा विधायक के खलनायक वाले गाने पर नाचते हुए वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि बाप बेटे को नाच गाने की मंडली बना लेना चाहिए। मंत्री वर्मा यही नहीं रुके और बोले कि नाच गाने की मंडली बनाना भी जरूरी, क्योंकि हीरो हीरोइन फिलहाल कमजोर पड़ रहे हैं। मंडली के बनने पर भी भीड़ जुटेगी। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मंत्री वर्मा ने कहा कि ये लोग लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। की एक मंडली बना ले बाप बेटे, बढ़िया रहेगा। नाच गाने की मंडली आवश्यक भी है, क्योंकि अभी हीरो हीरोइन जरा कमजोर पड़ रहा है, तो ये परिवार एक अच्छी नाच गाने की मंडली बना लेगा तो अच्छा भीड़ जुटेगी। ये वैसे पहले बल्ला चलाया और अब खलनायक वाला गाना, देखिए तो वही दे रहा हूँ, लाइम लाइट में बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंदौर जिला न्यायालय के बनने वाले नए भवन का मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। शहर के पीपीहाना क्षेत्र में तालाब की जमीन पर बनने वाले भवन का कार्य चल रहा है, किंतु इंदौर अभिभाषक संघ इस भवन को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने कई अधिवक्ताओं के साथ बुधवार को इस मामले में समन्वय कार्यालय पहुँच कर ज्ञापन सौंपा।
अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि इंदौर जिला सत्र न्यायालय में करीब 3,500 अधिवक्ता पीपलियाहाना की जमीन पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले भवन का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में चल रहे जिला न्यायालय के पास खाली पड़ी जमीन पर भवन का निर्माण व न्यायालय का विस्तारीकरण किया जा सकता है, किंतु सरकार के अडिग रवैये के चलते जीवित तालाब को नष्ट किया जा रहा है। सारा प्रदर्शन आपके सामने है, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने वाले अभिभाषक है। उसी तरीके से हमारा ये 30 साल से आंदोलन चल रहा है, जो स्वार्थ के बसीभूत हमको होप टेक्सटाइल की जमीन नहीं दी जा रही है, जो कोर्ट से दीवार से लगी हुई है, और दूसरी तरफ स्वार्थ के बसीभूत होकर सियागंज बना दिया जा रहा है। लेकिन जनहित की आज न्यायालय सांस है, जीवन के लिए जरूरी है, उसके निर्माण के लिए जनहानि की जा रही है। दो बार घोटाले हो चुके हैं कोर्ट निर्माण के, शिवराज सिंह जी के टाइम पर कोर्ट बनना चालू हुई, फिर कोर्ट को रोका गया, दीवार तोड़ी गई, करोड़ों रुपया पानी में डूब गया। अब जहां कोर्ट बन रही थी, इन्होंने कानून और अधिकारियों को मिलाकर न्यायाधीश गणों ने अपने आतंक के बल पर स्वार्थ के बसीभूत होकर बिल्डिंग ऑफिसर ने गलत रिपोर्ट दी, और उस गलत रिपोर्ट के कारण आज उसका हर्ष देख रहा है कि बनी हुई बिल्डिंग डूब गई और वो तालाब में समाहित हो गई। हम जो कह रहे थे आज वो जनता भी समझ रही है, और जनता की हमारे साथ सहानुभूति है कि वास्तव में वकील लोग अपने स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनहित की और जन ही जीवन है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के मुताबिक संघ लंबे समय से नवनिर्मित भवन निर्माण का विरोध कर रहा है। वहीं यदि राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो पूर्ववर्ती शिवराज सिंह सरकार की तरह कमलनाथ सरकार को भी नतीजा भुगतना होगा। कहा जाता है कि जिसने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसे फिर किसी अन्य के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं होती। इस आशीर्वाद से वह अपना जन्म ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी जन्म सुधार सकता है। ऐसा अवसर केवल साल में एक बार श्राद्ध पक्ष में ही आता है। श्राद्ध पक्ष के इसी पवित्र अवसर पर इंदौर शहर की श्रद्धा सुमन सेवा समिति के द्वारा बड़ा गणपति क्षेत्र के हंसदास मठ में निशुल्क तर्पण का आयोजन किया जा रहा है, जहां सामूहिक रूप से सैकड़ों लोग अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। 13 सितंबर से आयोजित ये तर्पण कार्य 28 सितंबर तक सतत जारी रहेगा। तर्पण का कार्य प्रसिद्ध भागवत ज्ञाता पंडित पवन तिवारी जी के द्वारा रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक कराया जा रहा है, जहाँ लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से पितरों को तृप्त कर रहे हैं। इसी के तहत पंडित पवन तिवारी जी के द्वारा 21 सितंबर से 27 सितंबर तक पितृ मोक्षदायिनी कथा आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में संस्था श्रद्धा सुमन सेवा समिति के अध्यक्ष मोहन लाल सोनी के साथ ही राजेंद्र कर, हरि अग्रवाल, मुरारी लाल माहेश्वरी, मनोहर लाल कंडे आदि का भी सराहनीय सहयोग मिल रहा है। बुधवार को तर्पण आयोजन के दौरान प्रसिद्ध संत राधे राधे बाबा, रामदास महाराज सहित अन्य साधु संत ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर तर्पण करने वालों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर दोपहर न्यूज से खास चर्चा करते हुए पंडित पवन तिवारी जी ने तर्पण के बारे में जानकारी दी। तर्पण का मूल समय 10 बजे के पहले का माना गया है, क्योंकि 10 बजे तक जब आप तर्पण का कार्य करेंगे, इसके बाद में आप 10 से 12 के बीच में धूप का दान करेंगे। पहले तृप्त किया जाता है तर्पण के माध्यम से, फिर उनको धूप दान करके आहार दिया जाता है। तो सवेरे हमें जितनी जल्दी हो सके 10 के पहले पहले तर्पण की विधि को समाप्त कर देना चाहिए, और इसके तुरंत बाद फिर हमको धूप दान 12 के पहले पहले कर देना चाहिए। 12 के पहले किए गए किसी भी तर्पण श्राद्ध धूप दान के कर्म को पितृ स्वीकार कर पाते हैं, और 12 के बाद करने वाले किसी भी श्राद्ध कर्म को पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। कई समाजों में एक बड़ी समस्या है कि रात्रिकालीन तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, वह भी शास्त्र की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि दोपहर में पूजन पाठ श्राद्धादि का कर्म 12 के पहले संपन्न कर लें। अच्छा, आमतौर पे जो गया धाम जो छोड़ जाते हैं अपने पितरों को, हाँ, क्या उनके निमित्त भी तर्पण किया जा सकता है? हाँ, जो गया जी में श्राद्ध कर चुके हैं, पिंडदान कर चुके हैं, उनके निमित्त भी तर्पण किया जा सकता है, क्योंकि हम वहाँ पर हमारे पूर्वजों को छोड़ के आते हैं। लेकिन जितने पितरों को हम छोड़ते हैं, अनिवार्य नहीं कि वे सब वहाँ छूट जाएं। इसके बाद भी केवल एक विधि का विसर्जन किया जाता है, जिसे हम कागोल दान कहते हैं। हम जब गया का श्राद्ध करें, उसके बाद में हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कागोल नहीं निकालना चाहिए, लेकिन हमको तर्पण तो सदैव हमारे पितरों का करना चाहिए। तर्पण माने जल दान है,
जैसे आप ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का समय आता है तो अपने घर के बाहर जल पात्र भर के रखते हैं, घर के ऊपर जल पात्र रखते हैं, कोई प्यासा पक्षी आता है जल पी के आशीर्वाद प्रदान कर देता है, ठीक इसी तरह हमको अपने पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य करना चाहिए। यदि कोई पितर ऐसा होगा जो गया जी में नहीं रुका होगा या नहीं छूटा होगा तो वो हमारे तर्पण के जल से संतुष्ट होता है और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। ये ठीक उसी तरह की क्रिया है जैसे गर्मी के समय में घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए जल रखा जाता है, इसी तरह हमको अपने पितरों के ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त हमेशा तर्पण करना चाहिए। चाहे आप भागवत जी करा चुके हों, चाहे आप गया जी में छोड़ चुके हों, तर्पण की विधि कभी भी बंद नहीं होती। और धूप के विषय में क्या ख्याल, धूप छोड़ी जा सकती है उनके नाम? हाँ, उनके निमित्त ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करके, नाम लेकर के नहीं, जिनके आप गया श्राद्ध कर आए हैं उनकी तिथि वाले दिन आप ये भाव रखें कि मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृदेव पधार करके इस धूप को स्वीकार करें। यदि आपके पूर्वज गया के तर्पण से या श्राद्ध से मुक्त होके वहीं पे वास कर रहे होंगे तो वे आएंगे ही नहीं, आप चाहे कितना भी आवाहन करें, लेकिन यदि वे मुक्त नहीं हो पाए हैं तो आप जब ज्ञात अज्ञात पितरों के नाम की धूप उनकी तिथि में देंगे तो उससे वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धूप दी जा सकती है। इसमें एक चीज़ और भी रहती है कि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जो पितरों की जो तिथि होती है उस दिन दिनभर में कभी भी उनके निमित्त कुछ भी किया जा सकता नहीं, नहीं, तो वो समय का नहीं, 12 के पहले पितरों को मुक्ति का काल 12 बजे तक है। जैसे हम भाई अब एक सामान्य भाषा में समझने की दृष्टि से कहें, पेरोल का एक समय होता है, इसके बाद में पेशी का भी एक समय होता है, कोर्ट बंद होने के बाद आप पेशी पे जाएंगे तो उसका कोई लाभ होगा नहीं, इसी तरह 12 के पहले ही पितरों के जो देवता आर्यमा हैं, विश्व देवा है, वे हमारे पितरों को हमारे आवाहन पर लेकर आते हैं। 12 के बाद में वे नहीं पधार पाते और सूर्यास्त के बाद तो कदापि नहीं आते। पितरों की तिथि पर किन लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है भोजन वगैरह के? पितरों की तिथि पर हमें सबसे देखिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हमें गरीबों को और ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। एक विधि यह है कि घर की बहन बेटियों को श्राद्ध का और पितृ का अन्न नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बहन बेटी यदि पितृ की तिथि में जिमाई जाएगी तो पितरों की उच्छिष्ट बहन बेटी खाएंगी तो उससे पितरों को कष्ट होगा। इसलिए आप अपने पितरों के निमित्त या तो किसी गरीब को जिमाएं या किसी ब्राह्मण को जिमाएं। आपके ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं वे केवल बाद में प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, पर अपने पितरों के निमित्त बहन बेटियों को भी नहीं जिमाना चाहिए। आप पितरों के निमित्त किसी और को जिमाएं, बाद में प्रसाद परिवार का सारा कुटुंब समाज ले सकता है। अच्छा, इसके लिए जो पितरों को जो तर्पण वगैरह किया जाता है इसके लिए कोई स्थान विशेष फिक्स रहता घर में? नहीं, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का तर्पण किया जाता है। वैसे पितृ तर्पण में पूर्व मुख, उत्तर मुख और दक्षिण मुख का विधान है। दक्षिण दिशा में बैठ करके पूर्वाभिमुख होकर के आप तर्पण के कार्य को कर सकते हैं। सामूहिक कोई स्थान हो, सार्वजनिक स्थल हो, जैसे हंसदास मठ पे हो रहा है और भी कई जगह हो रहा है, आप वहाँ जाएं, किसी पवित्र नदी की सन्निधि में करें, गौशाला में करें और देवालय में करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाया करता है। घर में भी तर्पण किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा बीते दिनों दिए गए बयानों को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का विरोध कर रही है। औद्योगिक शहर इंदौर में सुबह पूर्व सीएम के पुतले की जुबान काटने का प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी ओर शहर के मध्य क्षेत्र में भाजयुमो द्वारा पुतला दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने दिग्गी के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। शहर के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले की पिटाई भी की और दिग्गी द्वारा हिंदुजन के खिलाफ दिए बयान की निंदा की। जिस तरह से दिग्विजय सिंह आए दिन उल्टे सीधे बयान देते हैं, मुझे लगता है उनकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो पूरी कांग्रेस सरकार की यही स्थिति है। अभी जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कल आपत्तिजनक बयान दिया कि मतलब भगवा वस्त्र धारी ही सब कुकृत्य करते हैं, इसकी भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी एक सिरे से निंदा करती है। और आज हमने प्रतीकात्मक रूप से दिग्विजय सिंह का पुतला जलाया, उसको गधे पर बिठाया, जो कि दिग्विजय सिंह का ओरिजिनल स्थान है, वो आज हमने उसको दिग्विजय सिंह को स्थान दिया है वहाँ पर और प्रदर्शन किया और उसका पुतला दहन करा यहाँ आज हमने, और आगे हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर दिग्विजय सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा संकल्प सप्ताह के रूप में इंदौर के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम व सेवा कार्यों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 41 के पार्षद प्रणव मंडल द्वारा विधायक महेंद्र हाड़िया के मुख्य आतिथ्य में तालाब किनारे पौधारोपण का आयोजन किया गया।
भाजपा नेता नौशाद पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के सेवा कार्यों की मंशा को ध्यान में रखते हुए पूरे सप्ताह सेवा कार्य के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 41 में विभिन्न छायाधार एवं फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता व महिला मंडल की नेत्रियां मौजूद रहीं। आयोजन में मुख्य रूप से प्रणव मंडल, समर्थ चिटनीस, सुबोध सिंह, विजय सिंह, संजू ठाकुर, अरविंद निकम, भरत पाल, अज्जू बोरासी, देवी सिंह यादव, वैशाली पारे, रीना पाहुजा, साधना दुबे आदि तमाम लोग मौजूद थे। समर मान सरोवर के नाम से पौधा रोपण किया गया है, मोदी जी का जन्मदिन भी मनाया गया है और हमारे बड़े भाई प्रणव मंडल जी के बैनर तले हम शुरू से काम करते हैं। विधानसभा 5 के बहुत सक्रिय नेता हैं और हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हैं। मेरा नाम नौशाद पटेल है, विधानसभा से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है और किस तरह का आयोजन? पर्यावरण आज हम सभी के जीवन में और इस पृथ्वी के जीवन में बहुत ज़रूरी पहलू बन के उभर रहा है। हम इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और ये सप्ताह ही पूरा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर और उनके पर्यावरण प्रेमी जो उनकी पर्सनैलिटी है उससे प्रेरणा लेकर यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-93-0003। तड़प, जयरंजित, इच्छाधारी और नागमणि, नाग का गहना जैसी सफल फिल्मों के बाद इंदौर के सुपरस्टार फिल्म निर्माता निदेशक बाबू राजौरिया की एक और बड़ी पेशकश। तुमको तो मंदिर में भजन गाने वाली पसंद आई। ये एक ऐसी मैरिड कपल लव स्टोरी है जो टूटते बिखरते परिवारों को जोड़ने का संदेश दे रही है। एक ऐसी पत्नी जिसने बदल दिया है अपने बिगड़े पति के भाग्य को। मेरी माहिर शानदार लव सॉन्ग और सुपरहिट आइटम सॉन्ग। भी नहीं पिए कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े। जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। आज तो उस कर्मचारी से छुटकारा मिल ही जाएगा। मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। प्रेरणादायी सामाजिक रीति रिवाज और संस्कारों को प्रदर्शित करती ये फिल्म बदल देगी समाज की उस कुंठित मानसिकता के लोगों को जो बहू को समझते हैं दहेज की तिजोरी। बाबू राजौरिया की एक और बड़ी पेशकश मेरी भाग्यलक्ष्मी शीघ्र प्रदर्शित हो रही है मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम सिनेमा घरों में मेरी भाग्य लक्ष्मी। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के 25 सदस्यों के चुनाव के मतदान की तारीख 2 दिसंबर तय की गई है। इसके लिए वोटिंग के पात्र वही होंगे जिन्होंने अपनी सनद का वेरिफिकेशन करवा लिया है। वेरिफिकेशन के लिए अब तारीख बढ़ा दी गई है जो 20 सितंबर तक होगी।
यानी एडवोकेट्स को 4 दिन और मिले हैं कि वे वोटिंग लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई। इस बार सनद का वेरिफिकेशन कराने वालों को ही वोट डालने का अधिकार रहेगा। अभी तक लगभग 57,000 वकील अपनी सनद का वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व सचिव एडवोकेट गोपाल कचोलिया ने बताया कि काउंसिल की प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। इसके बाद भी वकीलों को एक मौका और दिया गया है कि वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं, पर जिन वकीलों ने अभी तक सनद का वेरिफिकेशन नहीं कराया है या इस संबंध में घोषणा पत्र नहीं भरा है, उनके नाम नहीं जोड़े जाएंगे। प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के चुनाव 2 दिसंबर 2019 को होना तय हुए हैं। इस चुनाव में वही अधिवक्ता वोट डाल पाएंगे जिन्होंने अपनी सनद का वेरिफिकेशन कराया होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सनद वेरिफिकेशन फार्म और घोषणा पत्र भरने की व्यवस्था प्रारंभ की है, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 सितंबर कर दिया गया है। 20 सितंबर तक जो अधिवक्ता फार्म भर देंगे, घोषणा पत्र भर देंगे, केवल वही वोट डाल पाएंगे और उन्हें ही अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके अलावा अन्य अधिवक्ताओं को इन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा और वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए सनद वेरिफिकेशन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय थी, जिसे बढ़ाकर 20 सितंबर तक कर दिया गया है। बार काउंसिल के चुनाव में 25 पदों के लिए वोटिंग होगी, इसलिए सनद वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है ताकि सही व्यक्ति को चुना जा सके। जॉब के नाम पर झांसी से इंदौर की दृष्टिहीन बच्ची को फोन पर बरगला कर बुलाने के मामले में हॉस्टल से भागी बच्ची को पुलिस ने इंदौर रेलवे स्टेशन से बरामद किया है। मामले में फोन करने वाले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इंदौर जीआरपी थाना प्रभारी गायत्री आनंद ने बताया कि मंगलवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक दृष्टिहीन बच्ची बैठी थी। संभवतः रेलगाड़ी में बैठकर कहीं जाने की फिराक में थी। वहां पर मौजूद रेलवे के जवान ने संदेहास्पद स्थिति लगने पर बच्ची से पूछताछ की तो पता चला कि वह हॉस्टल से भागी है और झांसी जाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि झांसी से किसी शख्स का बच्ची के पास फोन आया था और वह उसे वहां जॉब दिलाने के नाम पर बुला रहा है। पुलिस ने जब फोन करने वाले की जांच की तो उस शख्स ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। बच्ची हमको स्टेशन पे मिली है, इस बच्ची के पास एक जॉब को लेकर के कॉल आता है, झांसी से फोन आया था। उस बच्ची से बोला गया कि आप अपने हॉस्टल से भागकर आ जाओ, मैं आपको जॉब दिला दूंगा। और वो बच्ची स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 में बाहर बैठी हुई थी। वहाँ पर जो कर्मचारी पदस्थ थे उन लोगों से पूछा, उन लोगों ने उस बच्ची से बातचीत की तो बच्ची ने बताया कि मैं एक जॉब के लिए झांसी जा रही हूँ और इस नंबर से मुझे कॉल आ रहा है। उस नंबर से बात करने पर उस व्यक्ति ने बड़े ही रूडली तरीके से बोला कि मैं नहीं जानता कि पुलिस कौन है, आप तो उस बच्ची को बिठा दो और मैं आप उसको पिक कर लूँगा। उसके बातचीत से हमको समझ में आया कि चीज़ गलत हो रही है। उसके हॉस्टल पे हमने खबर करवाई है, अभी बच्ची के हॉस्टल वाले लोग भी आ रहे हैं। उनके हॉस्टल से क्या रिस्पांस दिया गया अगर वो हॉस्टल से भाग के आ रही है? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने बच्ची को हॉस्टल वालों को बुलवा कर मामले की पूछताछ शुरू कर दी है। बीते दिनों इंदौर जनपद सदस्य महिला सीएम के समक्ष शिकायत लेकर पहुंची, जहां उसने आरोप लगाया कि तहसीलदार द्वारा उसे आवंटित राशि नहीं दी जा रही है। इंदौर के सिहसा में रहने वाली जनपद पंचायत सदस्य लक्ष्मीबाई अपनी समस्या की गुहार लगाने कमलनाथ के पास पहुंची, जहां उन्होंने अपनी समस्या बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विकास कार्य के लिए आवंटित राशि 23 लाख रुपए की राशि पिछले 3 साल से नहीं मिल पा रही है। वहीं क्षेत्र के शासकीय स्कूलों व अन्य कार्यालयों पर भारी अनियमितता है, तहसीलदार उन्हें चक्कर पर चक्कर लगवा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी पर आरोप लगाया कि वे क्षेत्र के विधायक हैं, इसके बावजूद भी आज तक उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि कमलनाथ ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का निवारण करेंगे। अरे रुको, सामुदान भवन है और शासकीय स्कूल है, वहाँ पे 10-8 गाँव के बच्चे आते हैं, 12वीं का स्कूल है मेरे यहाँ। वो जिसके बाद में वहाँ लड़कियाँ मेरी कन्या यहाँ झाड़ू लगाती है, कोई चपरासी नहीं है। मैंने दो बार आवेदन दे चुकी हूँ मैं भोपाल, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। सर मास्टर प्रिंसिपल झाड़ू लगाते हैं वहाँ, जो चपरासी था गरम सियासा जवाहर टेकरी स्कूल में 12वीं का है, तो वो चपरासी हमारा जनपद में है अभी। तो आप किस पद पर हो? मैं जनपद सदस्य। आप जनपद सदस्य? जी हाँ। तो आपने वहाँ पर किस संबंधित बड़े अधिकारी या जनप्रतिनिधि को बोला आपसे ऊपर? मेरे अध्यक्ष जिला अधिकारी को आपने बोला? मैंने जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, गिरदावर, पटवारी,
आईजी एसपी सीएसपी को मैंने 70 परेशान हो गए, 3 साल से परेशान हो गए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा बुधवार को इंदौर में अनोखा प्रदर्शन किया गया। मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह की 5 फीट लंबी जुबान पर कैंची चलाई गई। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से दिग्गी हिंदू विरोधी बयान देते आ रहे हैं, जो कि अत्यधिक निंदनीय है। अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन व अन्य आतंकवादियों को सम्मान से ही संबोधित करके बोलते हैं और हिंदुजनों का अपने बयानों के माध्यम से अपमान करते हैं। गलत बयान देते रहते, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते, उन्हें सोचना चाहिए। इतने बड़े राष्ट्रीय महासचिव है, उसको भगवा को आतंकवाद कहते, भगवा श्री भगवान श्री राम का वस्त्र, देवी देवताओं के वस्त्र, उन्हें ये भगवा आतंकवाद कहते हैं। कल ही उन्होंने मंदिरों के खिलाफ और पंडितों के खिलाफ गलत बयान दिया कि ये लोग बलात्कार करते हैं। क्या उन्हें मदरसों में जो मौलवी है जो लुंगी उठाकर घर गरीब बच्चे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार करते रेप करते उन्हें नहीं दिखता? क्या ननों के साथ जो चर्चों में फादर बलात्कार करते क्या उन्हें नहीं दिखता? सिर्फ दे देकर हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलना उनकी आदत बन चुकी है। आज उसी के तारतम्य में हमने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में उनकी 5 फीट लंबी जीवान बनाकर उनकी जीवान काटी। दिग्गी तेरी बदजुबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिग्गी तेरी बदजुबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिग्गी तेरी बदजुबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिग्गी राजा मुर्दा विजय सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिग्विजय सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिग्गी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिग्गी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिग्गी राजा मुर्दाबाद 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 चलेगी। दिग्गी इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के तिराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिग्विजय सिंह की तस्वीर में बनी 5 फीट लंबी जुबान को काटा गया। भाजपा नेताओं के मुताबिक यदि दिग्विजय सिंह अपने बयानों को विराम नहीं देंगे तो वे भविष्य में और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने 10,000 रुपए का इनामी फरार भू माफिया को धर दबोचा है। बदमाश एक ही भूमि को अलग अलग लोगों को बेचा करता था। पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्र शहर में जमीन घोटाले कर अवैध तरीके से फर्जी कॉलोनियां विकसित कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए जमीन संबंधी धोखाधड़ी की वारदातों पर अंकुश पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। आरोपी पर कई संगीन आरोप पहले से ही दर्ज है। आरोपी हुलिया बदलकर लगभग 3 वर्षों तक पुलिस को चकमा दे रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने निरंजन पिता स्वर्गीय बंशीलाल नागा को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। वर्ष 2016 लगभग 3 वर्ष से जो फरार भूमाफिया है उसको पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। इस आरोपी जो इसका नाम निरंजन नाम का है और ये थाना द्वारकापुरी में इसके विरुद्ध में 420/68 का मुकदमा दर्ज था और इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था और सूचना मिली थी कि ये कई बार जो इंदौर के बाहर क्षेत्रों में ये फरारी काट रहा है। अभी ये जानकारी मिली थी कि ये इंदौर आने वाला है। इस सूचना के आधार पर थाना द्वारकापुरी के साथ में जॉइंट चेकिंग लगाई गई थी और उसी में ये निरंजन नाम का आरोपी पकड़ा गया है और 2016 से लगातार फरार था। अभी इसके विरुद्ध और भी कई शिकायतें मिली हैं जिनकी जाँच थाना द्वारकापुरी द्वारा की जा रही है और इसमें अभी इस मामले में 2016 के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक राजनीतिक व्यवसायिक खरीदना बेचना शुभकामना संदेश जन्मदिन बधाई धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 888-933-0073। तड़प जयरंजित इच्छाधारी और नागमणि नाग का गहना जैसी सफल फिल्मों के बाद इंदौर के सुपरस्टार फिल्म निर्माता निदेशक बाबू राजोरिया की एक और बड़ी पेशकश। क्या खूब है समा।
को तो मंदिर में भजन गाने वाली पसंद आई। ये एक ऐसी मैरिड कपल लव स्टोरी है जो टूटते बिखरते परिवारों को जोड़ने का संदेश दे रही है। एक ऐसी पत्नी जिसने बदल दिया है अपने बिगड़े पति के भाग्य को। शानदार लव सॉन्ग। मेरा जीरो फिगर, मेरा जीरो फिगर, मेरा जीरो फिगर, हाय 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 जीरो फिगर, मेरा जीरो फिगर, रानी जीरो फिगर, तेरा जीरो फिगर, रानी जीरो फिगर, तेरा जीरो फिगर। मैंने इतनी भी नहीं पी है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े। जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। आज तो उस कर्मचारी से छुटकारा मिल ही जाएगा। मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला। प्रेरणादायी सामाजिक रीति रिवाज और संस्कारों को प्रदर्शित करती ये फिल्म बदल देगी समाज की उस कुंठित मानसिकता के लोगों को जो बहू को समझते हैं दहेज की तिजोरी। बाबू राजोरिया की एक और बड़ी पेशकश मेरी भाग्यलक्ष्मी शीघ्र प्रदर्शित हो रही है मध्य प्रदेश सहित देश भर के तमाम सिनेमा घरों में। मेरी भाग्यलक्ष्मी। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है।